जहां घोषणा पत्र जारी होने के पहले सिमरिया विधायक नीलम मिश्रा ने पत्रकारों के बीच यह कहकर सनसनी फैला दी कि उन्होंने भाजपा ने कभी अपना सदस्य नहीं बनाया, वो कभी भी भाजपा की सदस्य नहीं रही। इसी के चलते वह भाजपा से त्याग पत्र दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी को जो मैंने पत्र लिखा है उस बारे में बोल रही हूँ। श्रीमान राकेश सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी से सदस्यता समाप्त किए जाने हेतु त्याग पत्र स्वीकार किए जाने बाबत, पिछले पंचवर्षीय में मैं एक मुश्किल घड़ी से गुजरी हूँ। अपने क्षेत्र के विधायक होने के बावजूद मैं जनता की सेवा निष्ठावान तरीके से नहीं कर पाई। मेरे हर कार्य में मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से बाधा डाली जा रही थी। वह मंत्री जी का पूरा प्रयास किया गया कि पार्टी के भीतर रहते रहते मेरे पति व मेरी छवि को जनता के बीच धूमिल करना चाहते थे। मेरे पति का बस इतना दोष था कि बीते समय उन्होंने सत्य का समर्थन किया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। महोदय, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते पार्टी में रहते हुए अगर मैं किसी जनता का कार्य न कर सकी जिसने मुझे चुना था, तो ऐसे पार्टी से जुड़े रहने का कोई औचित्य नहीं निकलता। महोदय, पार्टी के भीतर लोकतंत्र एवं जनता के प्रति सेवा की भावना मंत्री जी राजेंद्र शुक्ल जैसे व्यक्तियों के रहते हुए पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब मैं भी अपना कर्तव्य समझती हूँ कि अपने पति के आदर्श पर चलूँ और सच का साथ दूँ। अतः माननीय जी से अनुरोध है कि मेरी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी से समाप्त करने हेतु त्याग पत्र स्वीकार करने का कष्ट करें। धन्यवाद। और एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कभी सदस्य बनने भी नहीं दिया, क्योंकि मैं बीजेपी की विधायक रही। लेकिन पहले हमारे माननीय सांसद जी थे, जिला अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा जी, उन्होंने कभी सदस्यता नहीं लेने दी। फिर हमारे जिला अध्यक्ष विद्या प्रकाश जी, उन्होंने कभी सदस्यता नहीं लेने दी। मैं 5 साल इतना अपमानित होकर मैंने राजनीति की है और ये विधायकी की है, तो मैं ही जानती हूँ। इसलिए मैं वो पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकती और मैं पार्टी को छोड़ रही हूँ। बस हो गया, मुझे कोई पार्टी में नहीं जाना है। चूँकि मेरे पति चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मैं उनका समर्थन करूँगी। धन्यवाद।